चलो एक बार नोट करना आप। अर्शी तुम भी देख लेना एक बार। अच्छा नोट करना एक बार। देखो अब है फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड। फॉर्मेशन ऑफ डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड। देखो अब मैंने जैसे बोला डाइपेप्टाइड का फॉर्मेशन करना है, से ग्लाइसिन, ग्लाइसिन प्लस एलानिन ले लिया, ग्लाइसिन प्लस एलानिन, ये है ग्लाइसिन। ध्यान रखना कोई भी तुम लेते हो अमीनो एसिड तो उसमें एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट में रखना, ये एलानिन। एक ग्लाइसिन है और दूसरा एलानिन है। ग्लाइसिन एलानिन थ्री लेटर सिंबल, ग्लाई एला जी और ए। ये क्या क्लियर है तुम्हें? जब ये मिल करके डाइपेप्टाइड बनाएंगे तो OH हटाना, OH हटाना किसका? कार्बोक्सिल ग्रुप का, और एच हटाना NH2 का। हमेशा ध्यान रखना हमेशा के लिए, और के अंदर भी रीजन है इसका, रिएक्शन टाइप ऑफ मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है एसिड के अंदर, इसलिए OH, इसलिए एसिड हटाना है, बेस का हटाना है एच। तो ये बन गया यहाँ पे NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 COOH, ये है। और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे तुमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कार्बोहाइड्रेट्स में तुमने पढ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना? दो मोनोसेक्राइड के बीच में क्या होती है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही यहाँ पे दो अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, उनके बीच में जो लिंकेज है उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही मैं आगे पढ़ाऊंगा तुम्हें, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज होती है, फॉस्फो डाई एस्टर लिंकेज। इधर बना है पेप्टाइड बॉन्ड। इसका क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड में सीएन बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड है, सीएन बॉन्ड में तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देखो सीएन बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हिंडर्ड रोटेशन क्यों होती है, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होती है? कोई देगा आंसर इसका? व्हाई देयर इज हिंडर्ड रोटेशन इन सीएन बॉन्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड? सर लॉन्गर रेजोनेंस करेंगे हाँ किससे बोला ये? सर नवीन। बहुत अच्छा नवीन, क्योंकि सीएन बॉन्ड के अंदर यहाँ पे क्या होगा? देखो सर, सी बॉन्ड ओ एन एच ये है ना, यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ पे है, फिर सिंगल बॉन्ड है ये, फिर लोन पेयर है, तो पाई सिंगल लोन पेयर। कंजुगेशन आ गई कि नहीं? कंजुगेशन आ गई ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। और जिसको अभी नहीं समझ आ रहा और नहीं समझ आएगा, ये 11th में तुमने पढ़ रखा है जीओसी के अंदर। तो अब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसलिए इसमें हिंडर्ड रोटेशन हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है? हिंडर्ड रोटेशन। क्या क्लियर है ये? ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा इसके अंदर, व्हाई देयर इज हिंडर्ड रोटेशन इन सीएन बॉन्ड, व्हाई देयर इज हिंडर्ड रोटेशन इन सीएन बॉन्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड, हिंडर्ड रोटेशन क्यों है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस CN bond acquires partial double bond character. Because of resonance, CN bond acquires partial double bond character. क्या क्लियर है? ये सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? यस सर। ये ध्यान रखना इसके अंदर। और एक चीज और ध्यान रखना, ये है एन टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है, हमेशा लेफ्ट पे रहेगा, इसको भूलना मत, नहीं तो आगे ना क्वेश्चंस कराऊंगा तो क्वेश्चन में अगर तुमने ये ध्यान नहीं रखा कि एन टर्मिनल हमेशा लेफ्ट पे और सी टर्मिनल हमेशा राइट पे, तो क्वेश्चन में गलती कर जाओगे। ये सी टर्मिनल। अब एक चीज और इसके अंदर बताओ, ग्लाइसिन और एलानिन मिलके, ग्लाइसिन और एलानिन मिलके कितने आइसोमर्स बना सकते हैं? कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं? आइसोमर्स नहीं, कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं बताओ जरा? ग्लाइसिन और एलानिन मिलके कितने डाइपेप्टाइड बना सकते हैं? कोई ऑप्टिकल आइसोमर कंसीडर नहीं करना है, जैसे यहाँ पे कार्य सेंटर है, इसको तुम्हें कंसीडर नहीं करना है। तो दो बनाएंगे कि नहीं?
एक बार मैंने ग्लाइसिन को लिया लेफ्ट में, एलेनिन को लिया राइट में, बन गया एक। और उल्टा कर सकते हैं इसका कि नहीं, इसका यस उल्टा सर। कर सकते हैं कि नहीं, तो इसके कितने बन जाएंगे, दो बनेंगे कि नहीं, यस सर। दो डाइपेप्टाइड। दूसरा बना के दिखाऊंगा, समझ आ गया है आ गया सर। ना। यहाँ पे एलेनिन को यहाँ रखेंगे, एलेनिन को यहाँ रखेंगे, एन टर्मिनल इसका, NH2, CH, CH3, COOH, इधर NH2 फिर रखेंगे लेफ्ट पे हमेशा, CH2, COOH, यहाँ पे OH इसका, H इसका बाहर, ये यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा गर्म करने पर, और आ गया NH2, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, NH, पेप्टाइड बॉन्ड आ गया पूरा, फिर CH2, COOH, यहाँ पे आया सी टर्मिनल, यहाँ पे आया एन टर्मिनल, ये है एलाग्लाई। नाम क्या इसका, एलाग्लाई, एलाग्लाई या एलानिल ग्लाइसिन, एलानिल ग्लाइसिन ये इसका नाम है, एलानिल ग्लाइसिन। उसका क्या था पीछे वाले का, पीछे वाले का क्या नाम था, ग्लाइसिल एलानिन, मैंने लिखवाया था कि नहीं पीछे, ग्लाइसिल एलानिन, ग्लाई एला, GA, GA, और ऐसे इसमें एलाग्लाई, एलानिल ग्लाइसिन या AG, क्या समझ आ गया ये। यस सर। तो ये भूलना नहीं है, दो डाइपेप्टाइड हैं इसके अंदर। अगर मैं इसमें बोल देता स्ट्रक्चरल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कंसीडर कर रहे हैं या स्टीरियो आइसोमर्स भी कंसीडर कर रहे हैं, तो आंसर क्या होता, सोचा तब चार हो जाता, ये कार्य सेंटर आ गया यहाँ पे भी, और उसमें भी एक कार्य सेंटर था, तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाते हैं। ये तुम्हें क्लियर हो गया कि नहीं। चलो अब ये तुम्हें डाइपेप्टाइड क्लियर हो गया है। मैं तुम्हें दोबारा दोबारा एक लाइन बोल रहा हूँ, एन टर्मिनल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, सी टर्मिनल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, सी टर्मिनल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड। अब मान लो तीन दे दिया मैंने तुम्हें, एक दिया फिनाइल एलानिन, एक दिया वेलिन, एक दिया से ल्यूसिन, एक ल्यूसिन दिया। अब तुमसे पूछे कितने ट्राइपेप्टाइड बनेंगे, और बना के दिखाने, कितने ट्राइपेप्टाइड बनेंगे इससे, बना के दिखाओ। सर, अगर हम ग्लाइसिन और ग्लाइसिन को कंबाइन करें तब भी डाइपेप्टाइड बन जाएगा ना। लाइसिन और ग्लाइसिन को, हाँ हाँ, ग्लाइसिन को ही मतलब दो बार। हाँ हाँ बन जाएगा। निकाला नहीं आंसर इसका, कितने ट्राइपेप्टाइड बनेंगे इसमें, बोलो। सच हाँ 6 बनेंगे, तो सोचना क्या इसमें, तीन है, तीनों डिफरेंट है, 3 फैक्टोरियल लगा दिया सीधा। मैं दिखा देता हूँ बना के, पहले पीएचसी को लेफ्ट में रखो, वेल वैल्यू को इंटरचेंज कर दो ऐसे ही। अब वेल ले लिया, वेल ले लिया पीएचई एलई यू, वेल ले लिया एलईयू पीएचई ऐसे ही उसके साथ। अब इसमें ल्यू को रख दिया यहाँ पे, पीएचई ले लिया, वेल ले लिया,
वेल ले लिया, पीएच ही ले लिया, क्या समझ आ गया? बना के दिखाने हैं ये, 6 समझ आ गए कि नहीं? केस अब अगर मैं जैसे, अब आईआईटी में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये 3 दिए हैं तुम्हें, ये 3 दिए हैं, और बोला इसमें, बोल दिया इसने कि एन टर्मिनल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन फिनाइल एलानिन, एन टर्मिनल शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट ऑन फिनाइल एलानिन, तो कितने बनेंगे बोलो? दो तो 2 बनेंगे सिर्फ, तो सिर्फ 2 बनेंगे। और अगर मैं बोलता हूँ एन टर्मिनल शुड नॉट बी ऑन वेलिन, एन टर्मिनल शुड नॉट बी ऑन वेलिन, तब कितने बनेंगे? समझ चार आ गया? ऐसे क्वेश्चन बना देंगे वो, वेलिन पे नहीं होना चाहिए, एन टर्मिनल वेलिन पे नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे ऐसे ही सी टर्मिनल से कंडीशन है, सी टर्मिनल शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन ल्यूसिन, सी टर्मिनल शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन ल्यूसिन, तो कितने बनेंगे? चार 4 बन जाएगा, ल्यूसिन यहाँ पे आ रहा है सी टर्मिनल पे, और यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे, बाकी 4 हो जाएंगे। क्या समझ आ गया? कंडीशन से आएगा तो कर लोगे कि नहीं? है यस सर। तो ये बिल्कुल ढंग से कर लेना, नहीं तो तुम्हें कल का लेक्चर समझ नहीं आएगा। और एक चीज और बोल रहा हूं मैं, जैसे मैंने ये डाई पेप्टाइड बताया, ट्राई पेप्टाइड बताया, ऐसे ही टेट्रा पेप्टाइड बनेगा, टेट्रा पेप्टाइड, पेंटा पेप्टाइड, हेक्सा पेप्टाइड, ये बनेंगे, ऐसे ही बनेगा पॉली पेप्टाइड, ऐसे ही क्या बनेगा? पॉली पेप्टाइड, क्लियर? ऐसे ही बनेगा पॉली पेप्टाइड। अब तुम ये स्ट्रक्चर याद कर लेना जरूर, अब मैं जो बना रहा हूँ ये एक पॉली पेप्टाइड का स्ट्रक्चर है, तुम्हें हमेशा के लिए रटा होना चाहिए, और अभी रट दोगे इसे, RCH NH सील बॉन्ड हो, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड आ ना पेप्टाइड, फिर CH, अगला R होना चाहिए ऑपोजिट दूसरे R के, ताकि रिपल्शन कम हो, फिर NH, फिर सील बॉन्ड O, फिर CH, फिर R, फिर NH। क्या समझ आ गया ये? ये आगे कंटिन्यूड है, ये आगे कंटिन्यूड है, क्या समझ आ गया स्ट्रक्चर की? नहीं यस सर। ये ऊपर होना चाहिए हमेशा, ऊपर कुछ भी हो सकता है, एक टर्मिनल होना चाहिए ऊपर, और दूसरा एक सी टर्मिनल होगा, एक एन टर्मिनल, ये होना चाहिए नीचे। इसको भी रट दो पहले, RCH NH सील बॉन्ड O, CH R NH, इस टाइप से ये रट दो अभी सामने, इसको रट दो जल्दी से, सर बस ये काम कर दो। हाँ बोल कर। सर ऐसे हो सकता है, ऐसे अब हमने ये लिए थी फेनाइल एलेनिन और वेलेन और ल्यूसिन, तो सर जो मतलब पहले तो एक नॉर्मल ट्राइपेप्टाइड बन जाएगा और फिर एक और एन टर्मिनल और लास्ट और एक बिल्कुल, COH बचेगा, तो हो सकता मतलब है, हो उससे सकता है अभी, साइक्लिक बन जाए। अरे साइक्लिक नहीं, नहीं साइक्लिक फॉर्म नहीं है, साइक्लिक बनते हैं इसमें, ऐसा नहीं प्रोटीन बनते नहीं है, जैसे ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो साइक्लिक फॉर्म में भी बनता है, वो साइक्लिक फॉर्म में भी बनता है, लेकिन वो उतने डेप्थ में नहीं जाना है, अगर मत मत सोचो उसे, है ना? यस सर। ये एक बार रट दिया सबने कि नहीं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि मैं अब आगे जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें इस चेन को बनाऊंगा बार बार, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को, बस आर ध्यान रखना ऑपोजिट होने चाहिए ताकि रिपल्शंस कम हो। प्रोटीन सब स्टार्ट हो चुका है, अब जो आगे वाले स्ट्रक्चर होंगे या जो मैं पढ़ाऊंगा आगे, अब वो टफ होता जाएगा, ध्यान रखना चीज का, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल। हाँ याद कर लिए, यस सर। इसको रट देना जरूर, इसको मत भूलना बिल्कुल, और चैप्टर याद कर लेना पूरा भी। अच्छा कल हो सकता है कि मैं रात को मैसेज डाल दूंगा, मैं हो सकता है मैं कल ऑर्गेनिक ही कराऊँ, ठीक है ना? 2 लेक्चर ऑर्गेनिक ही कराऊँ आगे, इसको याद कर लेना जरूर, और याद करके PDF बना के जरूर भेज दो, और लर्न लिख के भेज देना जरूर कि चैप्टर पूरा याद कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने सामने भी याद कराया था तुम, और कल होमवर्क करके आना ऑर्गेनिक का भी।